नाम से है? राजेश। धन्यवाद भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 4:30 और अभी आँख खुल गई। रात को तो जल्दी नींद आ गई थी, एडिट करते करते लगभग 12:30 बजे मुझे नींद आ गई थी और अभी मैं वीडियो एडिट करूँगा और उसको फिर पब्लिश करता हूँ। फ्रेंड्स 5:30 बज चुके हैं और वीडियो मैं एडिट पूरी कर चुका हूँ। 4:30 से 5:30, 1 घंटा हो गया मुझे एडिट करते हुए। और ये जो व्लॉग चैनल है उसके लिए वीडियो है, इसके बाद मैं इसको पब्लिश करूँगा और उसके बाद दोस्तों मुझे टेक चैनल के लिए वीडियो एडिट करनी है। और हाँ, थोड़ी थोड़ी जुकाम भी हो चुकी है अभी तो। वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब पर जिसमें 30 से 40 मिनट लगेंगे, तब तक एक मैं नींद की झपकी ले लेता हूँ। 7:15 हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ अभी पार्क में। जैसे कि मैंने बताया था, मैं डेली हैबिट बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पब्लिश हो चुकी है, उसके बाद मुझे वो पब्लिश हो रही थी उसके टाइम मुझे नींद आ चुकी थी, तो हम जैसे उठा तो 7 बजे करीब थे, तो 7:15 बजे अभी हम पार्क में जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा था पार्क में, तो ऑफिस में भंडारा है, तो पीछे आप देखोगे तो टेंट वेंट लग रहा है, ठीक है। वो भी मैं पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगा। और अभी हम जा रहे हैं ऑफिस में, जो वहाँ के लिए सिलेंडर लेने के, ये रविंदर सर है मेरे साथ, ठीक है, इनके साथ सिलेंडर लेने के लिए जा रहा हूँ मैं स्कूटी पर। अभी हम जा रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए। ये रविंदर सर है, स्कूटी पर हम सिलेंडर रख के लेके आएंगे। तो मैं तो पार्क में जा रहा था दोस्तों, बट कंपनी का आज जो ऑनर है, उनके जो फादर हैं, उनका बर्थडे है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज भंडारा रखा है। तो सुबह वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, तो मैं रविंदर सर के साथ वहीं पर रुक गया। तो अभी सिलेंडर लेके जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, पीछे टेंट लग रहा है, ये ऑफिस के जो भंडारा है उसी के लिए है। और इधर आप देखेंगे तो एक कैटरिंग का सामान है, ये तैयारी चल रही है, सब्जी और जो भी मतलब आइटम बनेगा, सब्जी पूरी हलवाई होता है नॉर्मली, तो वो भी तैयारी चल रही है। तो दिन में आज हमें लंच नहीं लेके आना, यहीं पर करना है। तो ये सुभाष है, कैमरे से शर्मा रहा है। आप पहले मिल चुके हैं इससे पानी पूरी के टाइम, बस आप पहले मिल चुके हैं, फिर कैमरे से शर्मा रहे हैं। देखिए, अरे भाई शर्मा मत, आप इसको भी जानते हैं, मेट्रो में बाथरूम के सामने बैठी थी। फ्रेंड्स ये फैजान है, देखिए इसका खाना, भंडारा चल रहा है, अंकल जी का जन्मदिन है। फ्रेंड्स मैंने भंडारे में खाना खा लिया, नीचे भंडारा चल रहा है। आपको भंडारे में मजा आया? आपने सेवा भी की है भंडारे में या सिर्फ खाया खाया है? थोड़ी सेवा की। चलो बहुत बढ़िया। आप ही भैया? हाँ जी सर। किस नाम से है? राजेश। राजेश, आपका नाम? राजेश। आप ही के नाम है? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद भाई। जो गोरिल्ला ट्राइपॉड हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था वो आ चुका है, तो मैं कलेक्ट भी कर चुका हूँ, शाम को इसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से और अभी मेरा रूममेट और मेरा बेस्ट फ्रेंड विकास आ चुका है दोबारा। इसकी थर्सडे और फ्राइडे को ही ड्यूटी होती है, ठीक है, बाकी वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो आज फिर इसके साथ इंटरटेनिंग करनी है। और इसके अलावा दोस्तों जब भी आता है उसी दिन कोई ना कोई अनबॉक्सिंग होती है। मेरे हाथ में है गोरिल्ला स्टैंड, तो आज इसके अनबॉक्सिंग भी हम करेंगे। तो पहले शायद ऑमलेट या कुछ और खाने के लिए हम जा रहे हैं मार्केट में। फ्रेंड्स जो ईयरफोन मैंने रिप्लेसमेंट के लिए दी थी वो आ चुकी है, या आप मेरे गले में देख भी रहे होंगे नेक बैंड। और अभी हम जा रहे हैं ऑमलेट खाने के लिए। दोस्तों काफी गर्म है हमारा। अच्छा, काफी गर्म। फ्रेंड्स काफ़ी मज़ा आ रहा है गर्मा गर्म ऑमलेट खाने में। ये भाई जी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, मनोज इनका नाम है। कभी भी आप आओ गुड़गांव में तो ट्राई कर सकते हो, काफ़ी गर्म है। भाई का फेस तो आपको दिख ही रहा होगा। सब हम आ गए दुर्गा स्वीट्स में जलेबी खाने के लिए। विकास की फेवरेट है जलेबी, वो टोकन लेने गया है। पहले यहाँ पर टोकन कटवाना पड़ता है जितने भी रुपये का आप आइटम लेते हो, तो वो टोकन लेने गया है, फिर हम जलेबी लेके रूम पर जाएंगे। भाई ने बोला कि ये मैं आपको ठंडी जलेबी नहीं खिलाऊंगा, मैं गर्मा गर्म आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं, ये बढ़िया काम है। Baby, let me see you. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh.
भाई विकास की जलेबी तोल रहे हैं अभी, ये विकास की नहीं, विकास के लिए जलेबी तोल रहे हैं। अंजू जी, अभी हम अपने पास में जो तावल फ्लाईओवर के पास विशाल मेगा मार्ट मॉल ओपन हुआ है, तो उससे आपकी बिक्री पे कितना असर हुआ है? पहले से घटी है या बढ़ी है? घटी है। दोस्तों, जो अमेजोन से गोरिल्ला जो स्टैंड आया था उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अपने ही अंदाज में। देखिए ये दोस्तों जो गोरिल्ला स्टैंड है हमारा, अब इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और ये निकल के आया है हमारा प्यारा सा गोरिल्ला स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, ये है, और इसके साथ ये ब्लूटूथ का जो कनेक्टर है जिससे आप स्विच कर सकते हैं, कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो है। और इसके साथ एक ये जहाँ पर आप मोबाइल को लगाएंगे बेसिकली, तो ये मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए है, और ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिटिंग कर लेता हूँ इसकी और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है मेरा गोरिल्ला जो स्टैंड है बेसिकली। देखिए कितना मस्त है, इसको आप किसी भी पोजीशन में रोटेट कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मोबाइल भी फिट कर लिया है, और ये जो ब्लूटूथ का कनेक्टर है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसका ब्लूटूथ का वो क्लिक करता हूँ, तो ये फोटो क्लिक स्टार्ट, देखिए फोटो क्लिक हो चुकी है। दोबारा मैं इसको तो प्रेस करूँगा, इस बटन को प्रेस करूँगा, तो ये फोटो क्लिक हो गई है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, और दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। तो आप भी जो आगे की वीडियो होगी दोस्तों, मैं इस गोरिल्ला ट्राइपॉड से या गोरिल्ला स्टैंड से बना के दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैंने गोरिल्ला स्टैंड लगा लिया है मोबाइल में, और देखेंगे तो आप काफ़ी स्टेबल वीडियो हो रही होगी अब फिलहाल, ठीक है। वीडियो काफ़ी स्टेबल है, पहले थोड़ा मोबाइल हिलता रहता था। ये मेरे पास कंट्रोलर भी है, इसको मैं चाहे तो कैमरे को यहीं से ऑफ कर सकता हूँ, मुझे वहाँ पर हाथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बेसिकली एक सेल आता है, ठीक है, वो सेल इसके अंदर डला होता है। मैं आपको सेल भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है इसका सेल, ये सेल है जी दोस्तों इसका, तो ये इसके अंदर डला होता है। ये जो नॉर्मल हम जो ब्लू जो सेल्फी स्टिक लेते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर वही चीज होती है, वही सेम चीज है, बस ये ब्लूटूथ से है, तो काफी मजा आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मेरी जो नेक बैंड थी, ईयरफोन थी, वो भी मैं लेके आ चुका हूँ, ठीक है, रिप्लेस हो चुकी है कम्प्लीटली नई, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ दोस्तों, आज मुझे टेक जो मेरा टेक चैनल है उसकी वीडियो तो बन चुकी थी, बट उसकी एडिटिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें शायद 3-4 घंटे या 2 घंटे शायद और लगेंगे, तो शायद आपको कल वो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।